हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद अरेमेंट हयर एंड बैक विद अनदर वीडियो सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच विल बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर सेमेस्टर सिक्स पॉइंट ऑफ व्यू तो सेमेस्टर सिक्स में सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन ओवरऑल हर चैप्टर से रिलेटेड है तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको देखने मिल सकते हैं तो वैसे तो हम नॉर्मली थियोरी पेपर में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए तो थियोरी पढ़ते हैं लेकिन अकाउंट्स के पेपर में हम थियोरी को इग्नोर करते हैं हम ट्वेंटी मार्क्स का जो थियोरी आता है उसके ऊपर फोकस नहीं करते हम ट्वेंटी मार्क्स की थियोरी की वजह से हमारे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स भी जो है वो गलत हो जाते हैं तो आपको फोकस क्या करना है आप जो भी सिक्सटी मार्क्स का पेपर आप सॉल्व कर रहे हो वो तो बहुत सारे बच्चे उसकी प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं लेकिन जो फोर्टी मार्क्स का थियरी पूछा जाता है वो फोर्टी मार्क्स के थियोरी के ऊपर अगर आप फोकस करोगे फोर्टी मार्क्स का थियोरी मैं ऐसे काउंट कर रहा हूँ कि ट्वेंटी मार्क्स का थियरी है एंड ट्वेंटी मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स है एंड कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिवस भी थियोरी से ही रिलेटेड होता है तो अगर हम सेमिस्टर सिक्स की बात करें तो डेट्स तो आपके पास सबके पास अवेलेबल होंगे ही टाइम टेबल आने तक हमको वेट नहीं करना है आ, ये सारे क्वेश्चन आप साइड बाय साइड प्रिपेरेशन्स करना स्टार्ट कर लेना ऐसा नहीं हो सकता कि इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आए द रीज़न इज ऐसा नहीं कि ये सारे इंपॉर्टेंट बिकॉज यूजुअली इंपॉर्टेंट बोला तो बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ते हैं देखो ये सारे क्वेश्चन जो है ना ये प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हुए हैं उसमें से मैंने निकाले अगर ये सारे क्वेश्चंस में से एक दो भी क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे तो हमको काफ़ी बेनिफिट उसका मिल पाएगा बिकॉज हम यूजुअली थियोरी क्वेश्चंस का रिस्क लेके जाते हैं अभी देखो आपको क्या क्या चीज़ें इसमें फोकस करनी है और उसके बेसिस पे आप थियरी क्वेश्चन इजीली पढ़ पाएंगे सबसे पहला क्वेश्चन हमको फोकस करना है एलएलपी के फीचर्स तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का एक चैप्टर है आपका उसके फीचर्स और उसके प्रोसीजर्स के ऊपर आपको फोकस करना है नेक्स्ट आपको फोकस करना है चैप्टर जो है अमालगमेशन एंड अमालगमेशन में दो टाइप के मेथड्स आते हैं अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज एंड अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर यहाँ पे हम परचेस कंसिडरेशन की मेथड की बात नहीं कर रहे हम यहां अमालगमेशन के जो मेथड है उसकी बात कर रहे हैं तो ये आपको बुक्स में इजीली मिल जाएंगे देन जो हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज है जो हमारे एलएलपी के जो पार्टनर्स होते हैं एलएलपी में एक कंसेप्ट आता है जो आपको ध्यान से पढ़ना है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का उसके ऊपर भी आप फोकस करना नेक्स्ट हमारा टाइप है अंडर राइटिंग चैप्टर से टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग देखो आप ये थ्योरी पढ़ोगे ना उसका फायदा आपको दूसरा भी होगा जिसमें आप ऑब्जेक्टिव भी ईजिली आंसर कर पाओगे तो इन सारे क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इन द लिक्विडेशन जो लिक्विडेशन है उसमें जो लिक्विडेटर होता है फाइनल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है लिक्विडेटर उसके बदले में कमीशन चार्ज करता है बहुत सारी चीजें उसमें आपने प्रैक्टिकली सीखी होगी तो उससे रिलेटेड जो लिक्विडेशन चैप्टर है उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है उसके बारे में आपको थियोरी प्रिपेयर करके रखना है बिकॉज यहाँ से थियोरी जो है पेपर में प्रीवियस ईयर्स में भी बना है तो ये पांच क्वेश्चंस पहले आपको फोकस करने जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस जो है वो कर ली है अगले पार्ट में जाते हैं नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं वो कौन से पढ़ने हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं सो नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन पढ़ना है वो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है चैप्टर फॉरेन करेंसी से स्पॉट रेट और एवरेज रेट के बारे में पढ़ना है स्पॉट रेट क्या होता है एवरेज रेट क्या होता है उनमें दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं वो आपको पढ़ना है नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है दैट विल बी नेट असेट मेथड ऑफ परचेज कंसिडरेशन तो आप सभी को पता है कि परचेस कंसिडरेशन ढूंढने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं परचेस कंसिडरेशन के लिए अगर हम नॉर्मल मेथड्स की बात करें तो नेट असेट्स मेथड नेट पेमेंट मेथड इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड लमसम मेथड ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं तो उनमें से जो नेट असेट्स मेथड है उसके बारे में आपको ओवरऑल अगर कुछ पैराग्राफ पढ़ लोगे तो इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू टू राइट इन द पेपर अदरवाइज फिर थोड़ा डिफिकल्ट जाता है नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आप सभी को पता होगा बहुत सारे बच्चों का ये फेवरेट टॉपिक है दैट इज फॉरन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट उसके बारे में आपको पढ़ना है कि अकाउंट क्या होता है एफईफ अकाउंट हम कम बनाते हैं एफ एफ अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन का एंट्री होता है ये सारी चीजें आप पढ़ लेना ऐसे मत करना कि एफ एफ का आपको शॉर्ट नोट पूछा है और आप वहां पर फॉर्मेट ड्रॉ करके आ रहे हो दिस विल नॉट शो क्लियर

तो वो भी आपको ध्यान रखना है तो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी आपको ओवरऑल पैराग्राफ में लिखने बोला तो वो आपको ध्यान रखना है अगले क्वेश्चन में आने से पहले लास्ट मिनट रिविजन विद आर का ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पर और काफ़ी सारे बच्चे इस ऐप का यूज़ करके उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल पा रहा है तो इन इस ऐप का बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे फ्री के पी मिल जाएंगे कुछ पेड के भी कोर्सेस हैं लेकिन कोर्सेस पेड आप लो ही ऐसा मैं आपको इंसिस्ट नहीं करूँगा दैट डिपेंड्स ऑन यू अगर आपको कुछ भी प्रिपरेशंस नहीं आता है अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो सिंपल प्राइसिंग है वहाँ पे वन नाइनटी नाइन रुपीज़ में आपको पूरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे दैट इज योर चॉइस लेकिन आपको ऐप आप डाउनलोड करके रखना है बिकॉज वहाँ पे मैं फ्री के पीडीएफ जो है वो शेयर करते रहता हूँ तो आपको वो बेनिफिट ही होने वाला है अगर आप डाउनलोड डाँग, कर लेंगे तो अगर अभी अग अग तक डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक पूरा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है चलो आगे बढ़ते हैं फिर हमारे नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन uh, है जो आपको फोकस करना है

नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज़ डेजिग्नेटेड पार्टनर अंडर एलएलपी तो डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के कंडीशंस क्या होते हैं तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में डेजिग्नेटेड पार्टनर का रोल क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है देखो वैसे तो आप थियोरी के लिए पूरा रिस्क लेके जाते हो लेकिन ये फिफ्टीन क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आपको थियोरी क्वेश्चन में तो होगा ही होगा उसके साथ आपको प्रैक्टिकल जो आपके क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस है उसमें भी होगा और ओवरऑल आपका एक कंसेप्ट क्लैरिटी हो पाएगा तो अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो ही मैं अगला सीरीज लेके आऊँगा दैट विल बी सब्जेक्ट ऑफ कॉस्टिंग तो कॉस्टिंग के भी क्वेश्चंस में लेके आऊँगा अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगा है तो यू नीड टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन देन ओनली आई विल पुट वीडियो ऑन कॉस्टिंग ठीक है थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर और प्रिपेरेशंस करते रहे और कोई भी क्वेरीज रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में डालिए मैं जैसे मैसेज देखूंगा मैं आपको रिप्लाई उसका करूंगा और आपको ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ वो कैसे लग रहे हैं अगर वो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें और चैनल के साथ पहली बार जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले बिकॉज ऐसे ही लास्ट मिनट रिविजन वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं थैंक यू वेरी मच बाय बाय